Hello everyone. So many of you have sent me questions asking what are my interests. You may not know this, but रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ मिली शर्मनाक हार, जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम तीसरे नंबर पर आ चुकी है, जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे बड़े मार्जिन और सबसे लोएस्ट टोटल पर आउट हुए। आरआर की टीम सिर्फ 59 रन पर आउट हो गई थी, जिसके बाद पहले हाफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम अब 16 पॉइंट तक नहीं पहुंच सकती, जिसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं कि ये टीम आईपीएल के प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। प्लेऑफ से बाहर होने के बाद संजू सैमसन ने इस हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने टूर्नामेंट की शुरुआत की, हर साल हम टूर्नामेंट को उस तरीके से फिनिश नहीं कर पाते हैं। सेकेंड हाफ में हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहता है, जिसके चलते प्लेऑफ में नहीं जा पाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी कैप्टनसी के कुछ डिसीजंस भी क्वेश्चनेबल थे, जो कि उन्होंने सोचा था वो कुछ अलग डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन उनका रिजल्ट कुछ और रहा था। कमेंट करके आप लोग बताना राजस्थान रॉयल्स के इतनी अच्छी स्टार्टिंग के बावजूद प्लेऑफ में ना जा पाने का असल रीजन आप लोग किसे मानते हैं।